ढाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जलगांव जामोद नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और बिजली पर्यवेक्षक को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि शहर में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव और मरम्मत के लिए जुलाई अगस्त सितंबर के बिल का भुगतान करने के एवज में शिकायतकर्ता से नगर परिषद के कर्मचारी दीपक कैलाश शैलके ने खुद के लिए 6,000 रुपये और मुख्य अधिकारी आकाश अविनाश डोई फोड़े के लिए 6,000 रुपये यानी कि कुल मिलाकर की 12,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत मांगने पर शिकायतकर्ता ने बुलढाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं इस मामले में ACB द्वारा की गई तहकीकात में सामने आया है कि मुख्य अधिकारी डोई फोड़े ने ही कर्मचारी कैलाश शेलके को रिश्वत की रकम लेने को कहा था। आकाश डोई फोड़े और दीपक शैलके दोनों के खिलाफ में जलगांव जामोद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। दोनों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधक विभाग बुलढाणा आज जळगाव जामत नगर पालिका येथे आमच्याकडे तक्रार प्राप्त झाली होती। तक्रारदार यांनी पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचं काम नगरपालिकेकडून घेतलं होतं। त्या सदर कामाच्या जुलै ऑगस्ट आणि सप्टेंबर ह्या तीन महिन्याचं बिल आणि इतर किरकोळ बिल अशा एकूण 80 ते 82,000 रुपये बिलाचे अदा केले म्हणून 12,000 रुपयाची मागणी दीपक शेळके विद्युत पर्यवेक्षक वर्ग 3 नगर परिषद जळगाव जामोद यांनी त्यांच्याकडे केली होती। आम्ही त्याप्रमाणे पडताळणी केली। सदरची पडताळणी सगळ्यात आधी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झाली आणि नंतर 11, 12 आणि 13 आज 2 दिवस पडताळणी आणि सापळा कारवाई आम्ही लावली। पडताळणीप्रमाणे प्राप्त तक्रारीप्रमाणे पडताळणी यशस्वी झाली, लाच मागणी झाली।